हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो विधानसभा से निकल कर आ चुकी है। मैंने अभी 2-3 घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आज जो है विधानसभा से आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना है वो विधेयक आज पारित हो सकता है। और फिलहाल उसको लेकर के एक बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है कि आप लोगों का जो यहाँ पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो यहाँ पर प्रस्ताव था उसको आज विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है, उसको आज पारित कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि विपक्ष ने मांग किया था कि अभी इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाए, ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं उसके बाद ही इसको पारित किया जाए। लेकिन हमने आपसे बताया भी था कि मेजोरिटी सबसे ज्यादा है भाई, बहुमत है विधानसभा में जो है सत्ता पक्ष के पास, तो इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ये तो फिलहाल पारित हो गया और कहीं ना कहीं जो एक बाधा थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आने के बाद ही जो लंबित भर्तियां, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट है, चाहे नई शिक्षक भर्ती है, वो सभी चीजें तभी शुरू हो पाएंगी जब नया शिक्षा सेवा आयोग हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल ये चीज तो खत्म होगी, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल गई है, 1 महीने के अंदर जो है इसमें सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी और भी चीजें हो जाएंगी, और उसके बाद से यूपी टेट का विज्ञापन और जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके बारे में और जो लंबित भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट, इन सभी पर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, इस तरीके से तो भर्ती नहीं आने वाली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी तभी आएगी जब सभी लोग एकजुट होंगे, मांग करेंगे, सरकार को रियलाइज कराएंगे कि हाँ हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। हमारे राज्य में बहुत सारे बेरोजगार छात्र, लाखों की संख्या में बेरोजगार छात्र हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर करके परेशान हो चुके हैं। सभी लोग प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, जहां भी पढ़ रहे हैं सब वापस घर आ रहे हैं और जो है शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते उन लोगों की जो आंखें हैं वो एकदम से क्या बताएं, सूख सी गई हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार यही बता रही है कि 6 साल में हमने इतनी सारी वैकेंसियां कर दी, जिसमें ये काउंट करना भूल जाते हैं कि मैं पिछले 5 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती मैंने नहीं किया है, और जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र के समायोजन आया है। इन बातों को हमें सरकार के कानों तक पहुंचाना है और वो तभी हो पाएगा जब सभी लोग एकजुट होंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छी अपडेट यह है कि नया शिक्षा सेवा आयोग बन चुका है। और एक चीज और मैं बता दूं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट नहीं पाओगे और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी अपडेट इस चैनल पर आपको बिल्कुल सही तरीके से दे दी जाती है। तो ये रही आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें।